Hi guys, I hope you're all doing well. Welcome back to Baby Zoned. If you've not subscribed to our channel, please do like, comment and subscribe and also follow us on Instagram. Our ID is Baby Zoned. So, बहुत सारी मॉम्स मुझसे पूछती रहती हैं कि आप वार्या को सारा दिन एंगेज कैसे करते हो. आप में से जिनको नहीं पता, वार्या अभी ऑलमोस्ट 27 मंथ्स की है, विच इज 3 मंथ्स ओवर 2 इयर्स. एंड क्योंकि लॉकडाउन है, उसे मैं किसी प्ले स्कूल में नहीं भेज सकती, स्कूल एडमिशन बंद है, ऑनलाइन क्लासेस के मैं फेवर में नहीं हूँ बिकॉज घर पे ही मैं उसे होम स्कूलिंग करवा रही हूँ. बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसे कैसे प्रोडक्टिवली इंगेज रखो, कैसे स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, कैसे उसके टैंट्रम्स हैंडल करो, कैसे उसका स्लीप टाइम शेड्यूल मेंटेन करो. आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसी कुछ एक्टिविटीज की एज वाइज जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हो अगर आपका बेबी उस एज कैटेगरी में फॉल करता है, टू कीप देम प्रोडक्टिवली एंगेज्ड आल्सो एंड एट द सेम टाइम आप बेबीज को वो एक्टिविटी करने देकर अपना कुछ घर का काम भी कर पाओ. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो. वेलकम टू बेबी जोन. सो पहली एक्टिविटी है ब्लॉक्स. वारा के लिए मैं ब्लॉक्स लेकर आई थी ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स अगो, बट आई नोटिस कि वो इतने ज्यादा ब्लॉक्स एंजॉय नहीं कर रही थी उस टाइम पे. वो ब्लॉक्स मैंने रख दिए थे और अब मैंने उसे बाहर निकाला है. सो आई एम नोटिसिंग कि वारा वो ब्लॉक्स के साथ प्ले करना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है. सो इफ योर चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स, इफ यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस देम येट, इंट्रोड्यूस ब्लॉक्स टू योर किड एंड इनिशियली आप उनके साथ बैठकर खेलकर उन्हें दिखाइए कि किस किस तरह से डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती हैं ब्लॉक्स के साथ. सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज ब्लॉक्स. ब्लॉक्स एक ऐसी एक्टिविटी भी है जो अपने बेबी को देकर विदाउट एनी टेंशन अपना काम साथ साथ करते रह सकते हो. बेबी के लिए ऐसे टॉयज लाइए, ऐसे ब्लॉक्स लाइए जिनमें शार्प एजेस ना हो, ताकि जब तक बेबी ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है आप लॉन्ड्री या कुकिंग या कोई भी घर का काम साथ साथ कर सकते हो. सेकेंड एक्टिविटी है सैंड प्ले. अमेजोन से या लोकल शॉप से इजिली सैंड टॉयज मिल जाते हैं. इट इज यूजुअली अ बॉक्स जिसके अंदर थोड़ी सी सैंड होती है. वो सैंड बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर्ड होती है एंड वारिया इज रियली एंजॉइंग द सैंड प्ले दीज डेज. वो रोज सुबह उठते ही अलमारी खोलकर सैंड के साथ खेलना चाहती है. सो आई विल एडमिट इट गेट्स अ लिटिल मेसी. बेबी अगर वो सैंड हाथ पैर में लेकर घर में चलना शुरू हो जाए तो पूरे घर में बीच जैसा फीलिंग आएगा, बट यू कैन कंट्रोल इट. बेबी को नहलाने से पहले उसे सैंड दे दीजिए, नीचे मैट अच्छे से बिछा दीजिए, बेबी को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि जब तक आप उसे आके क्लीन नहीं करोगे उसे और कहीं नहीं चलना है. वारिया एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक बिना किसी प्रॉब्लम के सैंड के साथ बैठी रहती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा. सो सैंड प्ले एक और बहुत ही अच्छी इंगेजिंग एक्टिविटी है. सेंसरी प्ले के लिए बहुत अच्छा है सैंड प्ले. यू हैव टू ओनली टेक केयर कि बेबी सैंड मुंह में नहीं डाले. सो ऑलवेज मेक द बेबी प्ले विद सैंड अंडर अडल्ट सुपरविजन. थर्ड एक्टिविटी जो मैं वारा को अभी करने को दे देती हूँ, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड एंड अ मार्कर. सो वी हैव अ लिटिल व्हाइट बोर्ड. मैं एक व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ वारा को उसके पास बिठा देती हूँ. बहुत बहुत देर तक वो उस पर कुछ ना कुछ स्क्रिबल करती रहती है. आई गिव हर टिश्यूज, वो इरेज करती रहती है. सो दैट इज ऑल्सो वन गुड एक्टिविटी. वो कभी कभी खुद रैंडमली कुछ भी लिखकर उसे आइडेंटिफाई करती है. जैसे एक बार उसने W लिख दिया था, एक बार X लिख दिया था, विच इज रियली गुड. शी इज जस्ट 2 ईयर्स ओल्ड. सो उसकी लर्निंग में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम मैं उसे व्हाइट बोर्ड के साथ बिठाकर उस रूम में और कुछ काम भी कर सकती हूँ. सो दैट इज वन गुड प्रोडक्टिव एक्टिविटी. द फोर्थ वन इज अ किचन सेट. वारा को बर्थडे पे किचन सेट गिफ्ट मिला था एंड मुझे नहीं लगा था कि वारा इस एज में अभी वो एंजॉय करेगी, बट टू माई सरप्राइज वारिया बहुत ज्यादा प्रिटेंड प्ले करने लगी है और वो किचन सेट के साथ बहुत बहुत देर तक बैठे रहती है. उसके यूटेंसिल्स यूज करके, उसका पूरा किचनेट यूज करके कुछ ना कुछ बनाने का प्रिटेंड करती रहती है, मुझे अपने पापा को खिलाने का प्रिटेंड करती रहती है. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर हर दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर. सो इफ यू हैव नॉट परचेज अ किचन सेट फॉर योर किड, आई रियली थिंक कि किचन सेट का गर्ल या बॉय से कोई लेना देना नहीं है. आजकल आपको बॉयज को भी सिखाना चाहिए दैट एवरीथिंग, एवरी वर्क बिलोंग्स टू एवरी वन, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय. सो यू शुड डेफिनेटली बाय किचन सेट फॉर योर किड. अनदर थिंग वारिया इज रियली एंजॉइंग इज अ डॉल एंड अ कॉम्ब.
एक डॉल भी उसे उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिला था एंड मैंने पैक करके साइड पे रख दिया था थिंकिंग कि अभी उससे इस चीज की समझ नहीं है. बट 2-3 मंथ्स अगो उसे वो अचानक कहीं से मिल गया एंड शी ओपनड इट एंड वो डॉल लेकर उसकी कॉम करती रहती है एटलीस्ट 30-40-45 मिनट्स. कभी कभी पूरा दिन भी डॉल को अपने हाथ में रखती है एंड शी कीप्स ड्रेसिंग इट, प्रिटेंड प्ले करती है, उससे बातें करती है. सो अगर आपने अपने बच्चों को प्रिटेंड प्ले इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आप इस तरह से वो भी कर सकते हैं. 10th house, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम अमेजोन. हमारे पास एक बस शेप का टेंट भी है, वारिया उसके साथ भी बहुत खेलती है, उसके अंदर जाकर कुछ ना कुछ करती रहती है. अदरवाइज ऑल्सो रिसेंटली उसने बहुत एंजॉय करना शुरू किया है. हम कभी कुशन्स रख के, कभी कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा बॉक्स रख के, कभी ब्लैंकेट से, कभी दुपट्टे दो डोर्स पे बांधकर उसके लिए एक टेंट हाउस जैसा क्रिएट कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है जब मैं उसके पापा उसके साथ टेंट हाउस में खेलते हैं. सो यू ऑल्सो लुक अराउंड योर हाउस एंड स्टार्ट बिल्डिंग सच स्टफ फॉर योर किड्स, दे रियली एंजॉय इट अ लॉट. आज की वीडियो के लिए लास्ट एक्टिविटी है एक बॉल पूल. अगर आप पूल नहीं भी लेना चाहते, आपके घर में स्पेस नहीं है, तो भी आप बॉल्स खरीद सकते हैं अमेजोन से. यूजली वारा क्या करती है, 3 या 4 बॉल्स लेकर और एक वो छलनी होती है जो बड़ी वाली होती है घर में जिसमें हम वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, वो उनमें बॉल्स डालकर उनको उछालती रहती है. वो एक्टिविटी भी वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है. सो इधर बाय बॉल्स फ्रॉम अमेजोन और बाय एन एंटायर बॉल पूल, दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड एंगेजमेंट एक्टिविटी फॉर किड्स ऑफ दिस एज. उनकी एनर्जी प्रोडक्टिवली यूज करने में बहुत हेल्प होती है. सो दिस इज द लास्ट एक्टिविटी फॉर टूडे. आई रियली होप आपको आज की वीडियो से कुछ मदद मिले अपने बेबीज को प्रोडक्टिवली एंगेज करने में. और अगर आपके पास और कोई सजेशंस हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग.